नमस्कार, म्यूजिकल हेरिटेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मशहूर संतूर वादक अभय सोपोरी से। अभय महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के बेटे हैं, खुद एक बहुत बड़े संतूर वादक हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और उसके साथ साथ शास्त्रीय संगीत के जो नामी गरामी घराने हैं उनकी जो अगली पीढ़ी है उसमें अभय का नाम बहुत मजबूती से लिया जाता है। अभय, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय, पहला सवाल मेरा यही है कि जब गुरु जो हैं वो पिता हों तो कितना फर्क हो जाता है, क्योंकि पिता का गुरु के तौर पर आपके साथ जुड़ना, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके कोई नुकसान भी हैं, कितना ये चैलेंजिंग होता है, कितना कुछ अलग होता है कुल मिला जुला कर पिता का गुरु भी होना। देखिए, हमारी जो परंपरा है वो एक इतनी खूबसूरत एक धरोहर है हमारे पास, जिसे हम गुरु शिष्य परंपरा के नाम से जानते हैं। एसेंशली एक ओरल ट्रेडिशन रहा है। उस ट्रेडिशन का एक डिसएडवांटेज हमें ये रहा कि काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाईं और वो खो गईं और लोगों तक पहुंच नहीं पाईं। लेकिन जब इस परंपरा का एक हम बहुत बड़ा एडवांटेज देखते हैं वो ये देखता है कि एक स्टूडेंट, एक डिसाइपल अपने गुरु के साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन में, वन टू वन में सीखते हैं और गुरु अपने डिसाइपल में देखते हैं कि वो जितना उस ज्ञान को ले पा रहे हैं, उस पर फर्दर इम्प्रोवाइज कर पा रहे हैं, उस पर उतना सोच पा रहे हैं, वो उतना ज़्यादा डिटेल में खुद भी बाय, जिसे आप कहें कि एक सोच ऐसी होती है कि वो देते चले जाते हैं। क्योंकि अगर डिसाइपल ले नहीं पा रहा तो वो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। ऐसा नहीं कि गुरु किसी को कम देंगे या किसी को ज़्यादा देंगे, लेकिन जब आप किसी एक ऐसे लेजेंड के बेटे हैं या बेटी हैं और ये ज्ञान जो है ये एक डिफरेंट वे से आता है। एक, आप अपने गुरु को पूरी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं 24 आवर्स दिन में, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे बात करते हैं, तो एक तो आपके जीन्स में कैरी हो रहा है और साथ साथ आप उसको डेली बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं। हमारी परंपरा में हम अपने गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की पर्सनैलिटी है, वो अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। उस पूरे ज्ञान को अपनी सोच से, गुरु को अपने अंदर जो हमने समाया है, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को, उनके एक्सपीरियंसेस को, फिर अपनी सोच से लोगों तक पहुंचाते हैं, एक नई सोच के साथ, एक नए इंटरप्रिटेशन के साथ। ये इस धरोहर की बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो जिस वक्त आप जितना ज़्यादा अपने गुरु को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी रिफाइनमेंट और हो जाती है। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इन डिटेल एक पर्सनालिटी को देख रहे हैं और फिर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि खो नहीं जाना है, कि आपने पूरा कॉपी, फोटोकॉपी अगर आप अपने गुरु के बन गए तो फिर लोग आपको कहेंगे कि आपने कुछ नई चीज़ नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं। एक तो है कि आप उनके डिसाइपल हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो कहते हैं कि आप इनके बेटे हैं तो एक्सपेक्टेशंस 100 times ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट पहले ही कॉन्सर्ट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने गुरु से हटके उसी शैली में एक नई बात कहेंगे, जो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मेरे केस में मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी म्यूज़िकल पर्सनैलिटी को उसी ने चिजल किया, और कि मुझे मालूम था लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मेरे डेब्यू कॉन्सर्ट से पहले ही एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी, तो मुझे वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प की है। लेकिन हम अगर हिस्ट्री में देखें तो ऐसे बहुत सारे बहुत खूबसूरत म्यूजिशंस हैं जिनका शायद उतना नाम नहीं हुआ जिस कैलेबर का उनका गाना या उनका बजाना था, और एक मेन रीज़न ये था कि वो हमेशा ओवर शेडो हो गए अपने फादर के या अपने मदर के नाम से। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात एक ये है कि इस जो ये परंपरा है इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, आप डिसाइपल हैं, सब एक हैं। तो जितना ज्ञान एक बेटे को दिया जाएगा, दिया जाना भी चाहिए,
उतना ही डिसाइपल को भी दिया जाएगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्टली अपने फादर से सीख रहे हैं या फिर आप अलग एक पर्सनालिटी से जाके सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट की बात ये आती है कि वो कितना इम्बाइब कर सकता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभय, आपकी बातचीत से मुझे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि जब आप अपनी सोलो परफॉर्मेंस देते हैं या फिर आप किसी दूसरे कलाकार के साथ संगत करते हैं और या फिर जब आप पंडित जी के साथ स्टेज शेयर करते हैं, इन तीनों परिस्थितियों में, इन तीनों हालातों में फ़र्क क्या है? किस तरीके से आखिर पंडित जी के साथ जब आप परफॉर्म, क्योंकि पंडित जी के साथ जब आप स्टेज शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपनी पहचान एक बनानी है, आप जिस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं उस परंपरा की एक छाप छोड़नी है, और कहीं ना कहीं जो स्टेज पर जब आप संगत करते हैं, जब आप स्टेज शेयर करते हैं किसी के साथ, तो उसके जो नियम कानून होते हैं उसको भी फॉलो करना है, तो कितना कुछ अलग हो जाता है इस तरह से अलग अलग उसमें परफॉर्म करना, खासतौर पर पंडित जी के साथ करना। देखिए, जिस वक्त मैं अगर अब अपनी बात करूं, जब मैं अपना एक सोलो रिसाइटल कर रहा हूं, वो बहुत डिफरेंट होता है जिस वक्त मैं अपने फादर साहब के साथ, पापा के साथ बजाता हूं। एक मुझे पर्सनली ये ध्यान रखना है कि जिस वक्त मैं उनके साथ बजा रहा हूं तो कॉन्सर्ट इतना जेल होना चाहिए कि कहीं भी उनको अपने प्लेइंग फॉर्मेट में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि जब हम स्टेज पे जाएं, और ये हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत महत्व रखता है यहाँ पे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इस फील्ड में शॉर्टकट्स नहीं है। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये इतना वास्ट एक फील्ड है, इसमें लर्निंग इतनी है कि सालों साल निकल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक साल चले जाएं, अपने दो चार राग या बंदिशें सीख लें और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इतनी कम नॉलेज जो है वो बहुत डिज़ास्ट्रस रिजल्ट हो सकती है करियर वाइज। तो हम जब जाते हैं स्टेज पे तो हम पहले तैयार होके जाते हैं। मैं तैयार हुआ हूँ कि एटलीस्ट उस लेवल तक मैं बजाऊँ कि कोप अप कर पाऊँ पापा के साथ बजाने में, क्योंकि वो आप समझिए कि एक समुद्र है, और आप कितने भी बड़े स्विमर हों लेकिन एक लहर आएगी तो आप उस लहर से हिल सकते हैं। जिस वक्त वो बजाते हैं वो ऐसे ऐसी छंदकारी, ऐसी ऐसी लयकारी करते हैं, और उस वक्त वो ये ध्यान नहीं रखते कि मेरा बेटा मेरे साथ है तो मैं अपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो मुझे भी देखना है कि वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और वो भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं। तो दोनों वे से, दूसरा वो अपनी लेगेसी भी साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बजा रहा हूँ और लोग कहें कि हाँ अच्छा कर सकता है। वहाँ पे ये है कि जो आगे आने वाली परंपरा है वो इनके शोल्डर्स पे है। ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डिसाइपल्स आप कह लें या एज अ सन आप कह लें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, उस डिग्निटी को कैरी ऑन करें। लेकिन उनके साथ बजाना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे राग चेंज कर सकते हैं। मुझे याद है मेरा जब डेब्यू कॉन्सर्ट हुआ था तो मुझे राग तो वही रही लेकिन बाकी सब बदल गया, और एक्चुअली मैं बजा नहीं पा रहा था स्टेज पे। लेकिन मेरे जब हम लोग घर आए और ऑलमोस्ट मैं बहुत डाउन था, मैंने पापा से ये भी कहा, मैंने कहा आपने बताया कुछ और आपने बजाया कुछ, तो पापा एक्चुअली मुझसे यही बोले कि अगर स्टेज पे आना है तो तैयार होना है, क्योंकि स्टेज लास्ट लेवल है आपके, जो लर्निंग का लास्ट लेवल है वो स्टेज है, और वहाँ पे आप फिर आधा कॉन्फिडेंस से नहीं आ सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में मैटर करती हैं। जैसे विद द ग्रेस ऑफ गॉड जब मैं बजाता हूँ तो चाहे 200 की गैदरिंग हो या मैंने 12,000 की गैदरिंग में भी बजाया है, 40,000-50,000 की गैदरिंग में भी, स्टेडियम्स में जो कॉन्सर्ट हुए हैं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा ऐसा नहीं कि कभी हाथ शेक करे या एक, तो वो जो एक स्टेज थ्रेट होता है वो कई म्यूजिशियंस को सालों साल रहता है। मुझे लगता है मेरा एक रीज़न वो हटने का ये रहा कि मुझे पापा का इतना डर रहता था कि वो क्या चेंज कर लेंगे, कि मुझे कभी वो इनिशियल ईयर्स में हिट ही नहीं किया कि मेरे सामने लोग कितने बैठे हैं। मुझे सिर्फ एक ही फेस दिखता था
और वो होता था पापा का कि ये क्या चेंज कर देंगे, अब राग चेंज कर देंगे, ताल चेंज कर देंगे, और वो भी बड़ी ही उस टाइम पे मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स तालाज होती थी, सवा की तालें, डेढ़ की तालें, यानी 10:30, 10:15, 9:30, 9:45 बीट्स की जो ताले हैं उस तरीके का शुरू हो जाएंगे। ये भी नहीं कि एक बार ही पूछ भी लें, तबला प्लेयर भी उसको भी जैसे आप कहें कि एक स्ट्रगलिंग टाइम शुरू उसका हो जाए और मेरे लिए भी शुरू हो जाए, लेकिन मैं ग्रेजुअली देखा कि ये जितनी भी एक्सरसाइज थी तो उसके पीछे कोई ना कोई पापा का मोटिव था। एक कि अगर मैं एक राग कोई प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसके इर्द गिर्द जितने भी रागे हैं मैं वो रेडी करके जाऊँ, कि हमने प्लान किया कि मुझे मारवा बजाना है तो मारवा बजाने से पहले मैं ये भी देख लूँ कि पूरिया कैसे बजती है और सोनी कैसे बजती है, और अगर मैं उसमें मारवा की बात कर रहा हूँ और उसमें उसको स्केल में मैं अपना जो हमारा पंचम है वो आता है, या मैं पूर्य कल्याण की बात करूं, या एक एक नोट चेंज हो जाए, यमन कैसे फ्लो कर रहा है, पूर्य कल्याण कैसे फ्लो कर रहा है, वहां से पूर्य दिनाश्री कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ना हो कि किसी एक नोट की कम्बिनेशन में ऐसे ले लूं कि बात तो मैं मारवा की कर रहा हूं लेकिन वो साउंड पूर्या कर रहा है, या मैं बात किसी एक पर्टिकुलर रागा भीम की कर रहा हूं लेकिन वो साउंड गावती कर रहा है, या मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बजा फलानी राग रहा हूँ और पता चला कि वो कुछ और ही साउंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए, और अगर मैं 10 मात्रा देख रहा हूँ तो मुझे साथ में बाकी मात्रा भी पता होनी चाहिए कि ये ताल कैसे फ्लो करती है। तो ये सारी चीज़ें उस लर्निंग का एक हिस्सा रहीं, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज जब मैं पापा के साथ बजाता हूँ तो लोग भी एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करता हूँ, लोग भी एंजॉय करते हैं, और आई एम श्योर पापा भी उतना ही एंजॉय करते हैं। एक सवाल मुझे और दिमाग में आ रहा है अभय, जब कुछ दिन पहले मैंने ये सवाल पंडित देबू चौधरी जी से भी पूछा था, उनकी एक परफॉर्मेंस मैंने देखी थी जहाँ पर वो अपने बेटे प्रतीक के साथ बजा रहे थे। प्रतीक जब द्रुतलय में गए, जब उन्होंने टेम्पो बढ़ाया तो ऐसा लगने लगा स्टेज पर, जो जिस तरह से स्टेज पर एक एक जो प्रदर्शन हो रहा था कला का, मैं दर्शकों के बीच बैठा, श्रोताओं के बीच बैठा जो था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन सा हो रहा है जो हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है पिता पुत्र में किसी तरह का कंपटीशन नहीं हो सकता क्योंकि एक एक कला का फर्क है, अनुभव का फर्क है, लेकिन ये जो फीलिंग आती है जब अचानक एक कॉम्पिटिशन या एक एक, एक होड़ लेने की जब मन में एक चाहत आती है स्टेज पर, क्या ऐसा होता है वाकई में जब दो कलाकार स्टेज शेयर करते हैं? ये जरा समीकरण समझाएं किस तरीके से आप लोग करते हैं इस चीज को। हमारा एक्चुअली जो बाज है वो तो तैयारी वाला बाज है, जो पापा का क्रिएटेड है सोपोरी बाज, और हम सभी, मैं जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं वो सभी सोपोरी बाज बजाते हैं। वो तैयारी इस लेवल की है कि नॉर्मली जैसे झाला जब हम बजाते हैं तो हम बात कर रहे हैं अराउंड 800 बीट्स, ये स्ट्रोक्स पर मिनट की, तो बहुत ही एक्सट्रीम एक लेवल का एक टेम्पो है, और उसमें सिर्फ झाला ही नहीं बजता, उसमें ताने आ रही हैं और अलग अलग किस्म के पैटर्न्स आ रहे हैं, उसमें भी लय का काम हो रहा है, तो बहुत एक डिफरेंट किस्म की एक शैली है। जब हम उस तैयारी की बात करते हैं, जब तक नंबर वन अगर वो तैयारी नहीं है तो ये जस्टिफाई नहीं होता, ये बाज जस्टिफाई नहीं होता, और पापा के साथ बजाना है तो बहुत तैयार होके आना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही वो एकदम सच है कि उसका अपना एक जैसे आप कहें कि म्यूज़िकल मज़ा है, क्योंकि अगर मैं किसी भी टेम्पो पे ले रहा हूँ, मान लीजिए धाई गिरधाई 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 गिरधाई, और मैं जहाँ छोड़ूंगा वहाँ से पापा एक अलग से टेम्पो उठा के और कुछ ले आएंगे, फिर वो छोड़ रहे हैं मैं उसको किसी और तरीके से ला रहा हूँ, फ़र्क ये है कि वहाँ पे 6 decades का काम है और यहाँ पे तो हम थोड़ा ही समय हुआ है बजाते हुए, चाहे जितने भी साल हुए हैं। दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी एक तरफ जहाँ पे कि ये संतूर जिसे हम क्लासिकल संतूर कहते हैं उनका देन है इस कंट्री को, म्यूज़िकल वर्ल्ड को, ये शैली उनकी देन है, संतूर अगर क्लासिकल फॉर्मेट में जैसे बजता है ये उनकी देन है, और उनकी एक एक्सपीरियंस है
60 ईयर्स की उनकी प्लेइंग की, उनके इनोवेशंस की, जो जो चीज़ें उन्होंने लाई हैं संतूर में, क्रिएट की हैं, वो प्लस जो मैं सीख रहा हूँ, मेरी अपनी सोच, और वो दो सोच जब आपस में मिलती हैं तो मैं उसे, भले ही हम इनको कंपेयर तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसे तब भी कंपटीशन नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि ये दो जनरेशंस का कॉमन थॉट का एक मिश्रण सामने आता है, जो बहुत अच्छा एक उसका अपना प्रेजेंटेशन है। अभय, आप एक परंपरा, एक घराने से जुड़े हुए हैं, सूफियाना घराना है आपका। सवाल मेरा ये है कि आप, जब आपकी उंगलियां, आपकी कलम संतूर के तार छेड़ती है, क्या कभी अंदर से ऐसा लगता है कि यार मैं एक परंपरा में बंध गया, मैं एक घराने की कला में आके बंध गया, मैं इससे आज़ाद होकर कुछ नहीं सोच सकता? क्या कभी ऐसा बंधन आपके सामने आया, कभी ऐसा बंधन आपको महसूस हुआ? और क्या ऐसा महसूस हुआ तो आपने सोचा कि इस बंधन को तोड़ देना चाहिए, या कभी आप इस बंधन को तोड़ेंगे क्या? देखिए, मैं पर्सनली ट्रेडिशनलिस्ट हूँ, मैं परंपरा में बिलीव करता हूँ और उसे अपना एसेट मानता हूँ, रादर देन बेड़ियाँ कि मैं बंध गया हूँ उसमें। मेरी परंपरा मुझे इतना फ्रीडम देती है इनोवेशंस का, क्रिएशंस का, एक्सपेरिमेंटेशंस का, कि मैं कहीं पे भी फील नहीं करता कि मैं फंसा हुआ हूँ किसी एक दायरे के अंदर। बल्कि मुझे लगता है कि शायद अगर ये परंपरा नहीं होती तो मेरी एग्जिस्टेंस क्या होती। और हमारा जो घराना सिस्टम है अपने आप में, वो इतना एक, जिसे आप कहें, साइंटिफिक सोच है। हम दिन भर चाहे कुछ भी करें, शाम को तो हमें घर ही आना है ना। हम दिन भर 10 किस्म की चीज़ें, खाने की भी अगर बात करें, हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें एक हेल्दी मील भी चाहिए। हमारा घराना सिस्टम भी वही है। हम चाहे जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करें, हम चाहे जो भी कोलैबोरेशंस करें, पर हमारी एग्जिस्टेंस क्या है? हमारी एग्जिस्टेंस एक सोच है। वो सोच है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक मास्टर म्यूजिशियन से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते हुए, मैं अपनी जनरेशन में बात करूं तो 300 साल से ये सोच आगे कैरी ऑन होते आई है। और एक के बाद एक मास्टर म्यूजिशियंस हुए हैं और अगली पीढ़ी ने उसे और फर्दर इम्प्रोवाइज किया है और कंट्रीब्यूशन स्टेट में, कंट्री में किया है। कोई भी आज तक, मुझे नहीं लगता हमारी फैमिली में ये फील किया होगा कि काश मैं इस परंपरा में ना रहा होता। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक एसेट है जो मुझे, मेरे लिए रहा है। मैंने ऑनसिम्बल्स किए हैं, मैंने कोलैबोरेशंस किए हैं, लेकिन सब मेरी उसी ट्रेडिशन की दायरे में है। जिस वक्त मैंने क्लासिकल ऑनसिम्बल रिसेंटली अपना इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले मेरे फोक ऑनसिम्बल्स तो मैं इतने सालों से करता आया हूँ। कुछ सालों पहले मैंने सूफी ऑनसिम्बल इंट्रोड्यूस किया था, अब मेरा ये क्लासिकल ऑनसिम्बल आया है। कहीं पे भी राग डाइवर्ट नहीं होता। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ये राग से रागेश्री है। मैं ये कहूँगा कि मेरा ये कंपोजिशन राग रागेश्री पे बेस्ड है, क्योंकि वो टिपिकल राग की एक प्रेजेंटेशन मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक ऑनसिम्बल प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर किसी ने देखना है, कि कोई एक स्टूडेंट देखना चाह रहा है, सपोज गावती पे बेस्ड है, कि गावती कैसी होती है, गावती वही है। या मैंने अपने जो एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं, मैंने रागाज लाइक विभास, मारवा, मल्हार के प्रकारों में मैंने उनको लेके एक्सपेरिमेंटेशन किया। कहीं पे भी राग डिस्टॉर्ट नहीं होता। यानी हमें अपनी एक्सपेरिमेंटेशन को एक डिसिप्लिन मैनर में लेना है, और वही डिसिप्लिन का जो एक बेस है वो हमारा घराना है। अभय, आप अपने, आपकी जो पीढ़ी है उसमें से आप किन को सुनते हैं, चाहे वो संतूर वाले हों, या कोई वादक हों, या कोई वोकल आर्टिस्ट हों, कोई गायक हों, आप किसको सुनते हैं? अभय सपोरी जब संतूर के अपनी दुनिया से बाहर आते हैं, जब फ्री रहते हैं, तो किसको सुनते हैं? मैं कई म्यूजिशंस को सुनता हूं, और सिर्फ इंडियन म्यूजिशंस को ही नहीं, मुझे बाहर के भी म्यूजिशंस बहुत पसंद हैं। फिर बाद में चाहे वो पॉप के हों, वो लैटिन के हों, या अलग अलग म्यूजिशन, कंट्री म्यूजिशंस हैं हमारे, कुछ बहुत अच्छे अमेरिकन म्यूजिशंस हैं, यूरोपियन म्यूजिशंस हैं, और कई लोगों का मुझे गाना जनरली बहुत पसंद है। चाहे वो शकीरा हैं,
और भी हमारे इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, अगर आप इनका वॉइस थ्रो देखें, वो इतना अच्छा एक गाना है कि वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने को लगता है कि लोग कितना कितना एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। इंडिया में मैं भी बहुत सुनता हूँ और ख़ास तौर पे मेरा एक जो लिसनिंग है यहाँ के म्यूजिशियंस के लिए, वो इसलिए भी है क्योंकि मैं बहुत सारे म्यूजिशियंस को प्रमोट भी कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके। हमारी फैमिली की एक सोच है, हम इसमें बिलीव नहीं करते कि खुद को आगे प्रोजेक्ट जितना इंसान हो रहा है बस उतने में ही दुनिया ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है वो तो भगवान की एक ब्लेसिंग है कि हम आगे चल रहे हैं और साथ में हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम अपने साथ जितने लोगों को, म्यूजिशियंस को ले सकें, वो हमारी एक ड्यूटी बनती है अगर हम इस फील्ड में हैं। मेरी एक ऐसी सोच है और मैं उसमें करता रहा हूँ और बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें उनको सुनना है कि अगर कभी किसी म्यूजिशियन में मुझे लगे कि कोई एक चीज़ वो इम्प्रूव कर सकता है या उसके रिसाइटल में कोई चेंजेस मुझे लगती हैं कि आ सकती हैं, तो मैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं और हमेशा कोशिश करता हूँ जहाँ पे कि तीन चार म्यूजिशियंस भी अगर वेल एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, उनमें मैं तीन चार ऐसे म्यूजिशियन ज़रूर ले आऊँगा जो वो स्टेज डिज़र्व करते हैं लेकिन किसी भी वजह से उनको वो ना मिला हो। तो उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जहाँ पे कि क्लासिकल म्यूज़िक की अगर हम बात करें, मेरी प्रेफरेंस हमारे कुछ पुराने बुज़ुर्गों की ही है। अगर इंस्ट्रूमेंटल में मैं बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम मेरे फैमिली का जो मैं सुनता हूँ, पंडित निखिल बनर्जी साहब, उनका मुझे सितार बहुत पसंद है। अगर मैं वोकल में बात करूँ, चाहे ठाकुर साहब हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, और भी इतने हमारे आमिर खान साहब हैं, उस्ताद आमिर खान साहब हैं, बहुत सारे। तो हमारे एक ऐसा फेज़, एक गोल्डन फेज़ कंट्री का रहा है जिसमें एक के बाद एक हमारे लेजेंड्स आए हैं इंस्ट्रूमेंटल में ही। पंडित रविशंकर जी हो गए, उस्ताद विलायत खान साहब हो गए, पन्नालाल घोष साहब हो गए। तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, मैं उनका प्रेफर करता हूँ सुनने, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उन्होंने ये क्यों बजाया। मुझे पापा ने इनिशियली जब मैं बजाता था, अभी भी कई बारी, तो उनका था कुछ क्वेश्चंस हमेशा रेडी होने चाहिए, क्या बजाया। ये नहीं कि कुछ भी जो मन में आया, या इंसान तैयार बजा सकता है तो दर 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 करके आप एक पैटर्न आ गए तो अता पता ही नहीं मालूम कि क्या बजाया। तो पापा का होता था, क्या बजाया, रिपीट करो। तो अगर इंसान ने कॉन्शियसली नहीं बजाया तो रिपीट नहीं कर सकता है, क्यों बजाया। अब ये फनी क्वेश्चन लगेगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई आपने क्यों बजाया। अगर आपने कोई तान ली, क्यों ली, क्या आपने उसको किसी एक फ्रेज से जोड़ के लाया, कोई आप पैटर्न ले रहे थे कि मुझे मालूम है मैं सम पे आ सकता हूं तो मैं फटाफट 10 ताने बजा लूं। यानी जो इम्प्रोवाइजेशन है कॉन्सर्ट की या एक रिसाइटल की, वो एक डिफरेंट नज़रिए से आ रही है, एक बहुत मैच्योर्ड वे से आ रही है। तो क्या बजाया, क्यों बजाया, कैसे बजाया, यानी क्या फॉर्मेशन ऑफ बोल्स रही। क्योंकि मैं, आप सोच रहे होंगे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, मैं क्योंकि सितार भी सीखा हूँ तो वो अक्सर, क्योंकि धारा दिर्दा दिर्दा, फिर वो संतूर पे कैसे आया। मेरे दादाजी आज भी मुझे जब पहले बताते हैं, कहते हैं गाओ, क्योंकि जब तक गले से वो चीज़ नहीं आएगी, संतूर जैसे साज पे वो नहीं आ सकती। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रोड्यूस करना है री री ता ना ना, अब अगर मैं संतूर पे बजाऊं ता 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 ता, बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन ये वो फ्रेज़ नहीं होगा जो मैंने वोकल पे प्रोड्यूस किया था। तो मुझे दादाजी ने पहले सितार भी सिखाया, कहा पहले इसको सितार पे उतारो। तो मैंने काफ़ी साल सितार बजाई है, प्रोफेशनली नहीं बजाई है, लेकिन स्कूल फंक्शंस में संतूर तो पॉसिबल नहीं था, 100 तारे उस टाइम पे ट्यून करना बहुत मुश्किल था, मैं सितार बजाता था। तो सितार मैंने सीखा, और हालांकि पापा तो प्रोफेशनली सितार का बजा चुके हैं, उनका तो मास्टर्स तक है सितार में,
तो हमारे यहाँ वोकल, सितार, संतूर, तबला, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर जिस वक्त मैंने अब इसको संतूर पे उतारना है तो मुझे मालूम है कि मुझे ये लाना है, और पापा ने संतूर को एक ऐसे लेवल पे लाया है कि अब हमें ये नहीं सोचना है कि आएगा कैसे, हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये हमें ऐसे लाना है और वो रियाज़ करना है। तो डिफरेंस कहाँ आ रही है कि पापा को देखना था कि ये बजेगा कैसे, उनको मालूम था कि ये फ्रेज़ बजना है, उसके लिए क्या करना है, उसको उनको इन्वेंट करना पड़ा। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें मालूम है कि ये फ्रेज़ ऐसे बजता है, अब उसको प्रैक्टिस करना है, यानी दारा रे तारा रा ना, तो हमें मालूम है कि ये फॉर्मेशन कलम की ऐसे रहेगी, अब उसको रियाजत से सिद्ध करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें। तो आज भी पापा मुझे कहते हैं कि कॉन्सर्ट में फलानी चीज़ बजाई तो वो क्यों बजाई, तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना है कि अच्छा मैंने ये सोचा था, फिर पापा बताएंगे पर ये उस चीज़ से मैच हुआ या नहीं हुआ, जैसे भी। तो यानी ट्रेनिंग जो है वो चल ही रही है, भले ही आज मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ, परफॉर्मिंग म्यूजिशियन हूँ, लेकिन जो सीखना है वो चल रहा है। और मुझे लगता है अगर आपने बहुत बुज़ुर्गों को भी सुना होगा, इवन इन देयर 80s और 90s, वो कहते हैं कि ये जन्म कम पड़ गया क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। अभय, आपने जब सीखना शुरू किया, जाहिर सी बात है आपने बहुत कम उम्र में सीखना शुरू किया था, आप ये वो दौर था जब MTV का कल्चर आ चुका था हिंदुस्तान में। आप MTV की आलोचना नहीं की जा रही है यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कभी आपके मन में ये नहीं आया कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक की बजाय पॉपुलर म्यूज़िक में जाऊँगा, ढेर सारे पैसे कमाऊँगा, ढेर सारा नाम कमाऊँगा? ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने का शौक था, पॉपुलर संगीत पसंद नहीं था, या क्या था, क्या वजह थी कि नहीं मुझे संतूर ही बजाना है, मुझे इसी घराने की परंपरा को आगे लेकर जाना है? दो चीज़ों में मैं आपको आंसर करूँगा। एक, पहला, जितनी भी हमारी बाकी शैलियाँ हैं उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, यानी अगर हम शेल्फ लाइफ की बात करें तो बहुत छोटा है वो। अगर लर्निंग उस लेवल की नहीं है, यानी एक स्ट्रगलिंग लर्निंग नहीं है, तो आप इमिजिएटली नाम तो ज़रूर कमा सकते हैं। आपने बहुत सारे म्यूजिशियंस को देखा होगा, 2-3 साल के लिए हर आदमी की ज़बान पे वही नाम होता है, गाना सुनना है उसी का, कॉन्सर्ट देखना है उसी का, वो चार्ज भी उसी हिसाब से करते हैं। ये ऑडियंस को भी मालूम है कि इसको इसी टाइम सुनो क्योंकि 2-3 साल के बाद ये नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट को भी मालूम है कि मेरी शेल्फ लाइफ सिर्फ इन्हीं 2-3 सालों की है, जितना कमाना है ज़िंदगी के लिए ये कमा लो। उसमें अच्छी सोच ये है कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इन 2-3 सालों में जितना कमा लूँगा वो फिर कैरी ऑन होता रहेगा, वैसा फेज़ दोबारा नहीं आता, बहुत कम लोगों का आता है। लेकिन जो एक परंपरा से डील कर रहा है और उस परंपरा में बिलीव करता है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, क्या मैं वो इंस्टेंट मनी चाह रहा हूं और 3 साल के बाद मेरे नाम को कोई दूसरा आदमी कवर कर जाए, कि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करके इस प्लैनेट को जाऊं? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और मैं कैसी आपको बात बढ़ा चढ़ा के बोलूँ कि नहीं मैं आया हूँ और बहुत कुछ करके इस प्लैनेट के लिए जाऊँगा, मुझसे पहले भी बहुतों ने किया, मेरे बाद भी बहुत करेंगे। लेकिन अगर हम इस प्लैनेट पे आए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं अपने घर के टूवर्ड्स, उससे बड़ा अपने सोसाइटी के टूवर्ड्स, उससे बड़ा अपने स्टेट के टूवर्ड्स, और उससे बड़ा अपने कंट्री के टूवर्ड्स, और एट द एंड अपने प्लैनेट के टूवर्ड्स। मेरी ऐसी सोच है, कोई भी इंडिविजुअल कैसा सोचता है मैं उसे बिल्कुल वो नहीं कहूँगा कि उसकी सोच गलत है, मुझे लगता है मेरी ये सोच बहुत अच्छी है। इसमें लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो बहुत हमें लगता है कि ये अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन हमें डिसीजन लेना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम वो 2-3 साल की लाइफ लेना चाह रहे हैं? और अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ MTV में हमने किस किस को देखा, हमें एक भी नाम याद नहीं आएगा, क्योंकि तब से हज़ारों म्यूजिशियंस वैसे आ गए और चले गए। ऐसा नहीं कि वो म्यूजिशियंस ख़राब थे, पर उसकी शेल्फ लाइफ इतनी ही है। पॉपुलर म्यूज़िक है, जो ही दूसरा कोई पॉपुलर सेक्शन आएगा वो पॉपुलर उसको ले जाएगा। एक टाइम पर रैप आया, वो चला गया,
पंजाबी का एक बहुत ही लेंथी दौर आया, हर चीज़ पंजाबी, कितने म्यूजिशंस पंजाब के निकले, अच्छी बात है, पर फिर एक एंड आया, फिर दूसरा एक सेक्शन आ गया, फिर वो चल रहे हैं, आजकल एक और चीज़ चल रही है, ये भी एक दो साल चलेगी, फिर एक नई चीज़ आएगी, रहती क्या है, रहता है आपका काम, और वो काम ऐसा होना चाहिए जो आप ज़िंदगी भर कर सके। 2-3 साल के लिए जीने के लिए इस प्लेनेट पे कम से कम मैं तो नहीं आया। ये ज़रूर है कि मैंने म्यूज़िक क्यों चुना, मैंने मेरे एसेंशली म्यूज़िक में आने के 3 रीज़न्स रहे हैं। एक सबसे बड़ा मुझे लगता है मेरा अपना इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ना हो तो कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं करती। मैं हमेशा हर बच्चे से यही कहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होता है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर से, मैं म्यूज़िक के स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मैं शायद उन चंद म्यूजिशियंस में से हूँगा जो ये कहता है कि म्यूज़िक को एज प्रोफेशनल लेना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी प्रोफेशन लीजिए, लेकिन म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप म्यूज़िशियन हो सकते हैं लेकिन म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं हो सकता है। तो हमें चाहिए ये, हमें रिफाइंड इंडिविजुअल्स चाहिए अपने कंट्री में, हमें मैच्योर्ड एडल्ट्स चाहिए, सेंसिटिव एडल्ट्स चाहिए, वो म्यूज़िक लाता है। तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, वो आपके सोचने के नज़रिए को बदल देता है। आप सोचना शुरू करते हैं, जो ही आप सोचना शुरू करते हैं आपको मालूम है ये सही है ये गलत है, आपकी एजुकेशन तो वो दे ही रही है, लेकिन जो म्यूज़िक देता है या कोई भी क्रिएटिव फील्ड देता है, कुछ ना कुछ करें और जो मर्जी सुने। और साथ में तो मेरा एक आने का रीज़न मेरा अपना इंटरेस्ट रहा, दूसरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू माई लेगेसी, कि एक 300 साल पुरानी हिस्ट्री है और एक के बाद एक मास्टर म्यूजिशियंस रहे हैं, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं अगर आपको सही बताऊं, मम्मी का ज़्यादा एक इसमें डिसीजन रहा है कि मैं म्यूज़िक लूँ रादर देन पापा, क्योंकि पापा का ये था कि जो मर्जी लेना है लो, लेकिन एक प्रॉपर वे से लेना है, फिर उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। और तीसरा एक मेजर रीज़न ये भी रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत रही हैं जम्मू कश्मीर में। खासतौर पे अगर मैं बात करूँ, हमारी फैमिली का एक इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, मेरे ग्रैंडफादर को, दादाजी को लोग फादर ऑफ म्यूज़िक वहाँ बुलाते हैं, जिसको भी आप छुएंगे 99% वो या मेरे दादाजी के डिसाइपल हैं या फादर के डिसाइपल हैं। तो लोगों ने देखा है म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट उनका इंट्रोड्यूस किया हुआ है स्टेट में, जितने भी आज हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं सब उनके टॉट हैं, जो कश्मीर के लेजेंड्स हैं या दादाजी के डिसाइपल्स हैं या पापा के डिसाइपल्स हैं। तो इस कंट्रीब्यूशन को लोगों ने देखा है, या फोक में जो काम पापा ने किया है, पूरा स्ट्रक्चर रिकम्पोज करना, उसको इनोवेट करना, और आज वो लगता है कि वो सदियों पुराना है तो सदियों पुराना ही, लेकिन वो एक नए तरीके से रिकम्पोज्ड मैनर में पापा ने लाया है। तो जो फोक है आज वो पापा का कंपोज्ड है एसेंशली। तो लोगों का एक वो एक्सपेक्टेशन मुझसे बनी हुई थी, और कब, जब मैं स्कूल में था, 6th-7th में भी जो म्यूजिशियंस यहाँ पे आए हैं जब मैं उस क्लास में था, और यानी अर्ली 90s में जब वो आते थे यहाँ पे, पापा उनको लाते थे यहाँ, उनके प्रोग्राम्स रखवाते थे, बेटा आपको भी हमारे लिए कुछ करना है। अब तब मुझे समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है इनके लिए, और मतलब 11-12 साल का, 11-12 तो नहीं लेकिन मे बी 14-15 साल के एक बच्चे से उस सोच को नहीं लाया जा सकता। तो मेरा एक ये था कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ दूंगा, लेकिन जब मैं ग्रो किया तो मैं अंडरस्टैंड किया कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे नहीं देना है, मुझे कुछ करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं म्यूज़िक में खुद होऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ों में मैं म्यूज़िक में मुझे लगा कि ये ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, जैसे जो एक ग्रुपिज्म, लॉबीज़म, म्यूज़िक पॉलिटिक्स इस फील्ड के अंदर आ गया था, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मैं उसका खुद भी शिकार रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहा हूँ। और मुझे पर्सनली ये लगा कि अगर मेरे पीछे पापा पिलर की तरह हैं और तब मुझे ये फेस करना पड़ रहा है, जो लोग खो जाते हैं इस पूरे अनफॉर्चुनेट एटमॉस्फेयर में, उनका क्या होता होगा। और मैंने पापा से कहा कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना है। पापा ने मुझे 2-3 चीज़ें उस टाइम पे बहुत अच्छी बताई, और ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं स्कूल कॉलेज में ही था,
कि अगर म्यूज़िक फील्ड के लिए कुछ करना है तो वो करके ही होगा, उनमें बातों में कुछ रखा नहीं है। तो एक चीज़ पापा ने मुझसे बताई कि अगर कोई चीज़ लग रही है ख़राब है तो फील्ड में उतरो और उसको ठीक करो, ठीक करने के बाद फिर बात करो, तब तक नहीं, तब तक उस बात का कोई वैल्यू नहीं है कि ये ख़राब था, ये मैंने किया है, ये किया जा सकता है, तब उस बात का कोई वैल्यू है, ये मैंने किया। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझसे कहा कि अगर एक बारी किया तो फिर ज़िंदगी भर करना, क्योंकि जब इंसान इस तरीके का काम करता है तो इसमें यू टर्न नहीं है, क्योंकि द मोमेंट आप काम करना शुरू करते हैं लोग अपनी एस्पिरेशंस और अपनी होप आपसे जोड़ देते हैं कि ये ऐसा काम कर रहा है, ये हमारे लिए कुछ करेगा, और जो भी उस टीम में बाद में जुड़ते हैं कि ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, अगर तब आप वापस अपना यू टर्न 5 साल 10 साल के बाद कर लें कि हाँ अब मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, नेशनल रिकॉग्निशन मिल गई और अब मैं अपना पर्सनल काम ज़्यादा देखूंगा, बिज़नेस खोल लूँगा, म्यूज़िक इंडस्ट्री मेरी अपनी इस तरीके से चलेगी, तो पापा ने मुझसे कहा वो क्रिमिनल होगा, और किसी की होप्स को किल करना ज़्यादा ख़राब है रादर देन किसी को आप होप ही ना दें। और मुझे लगता है विद द ग्रेस ऑफ गॉड शायद मेरी लाइफ का एक ये मिशन भी रहा है कि मुझे इस सिस्टम को तोड़ना था। और अगर आज आप देखेंगे दिल्ली में खासतौर पे एक नई वेव है, यंगर जनरेशन्स म्यूज़िक फिगर करते हैं, जैसे मैं अगर आपको अभी भी बताऊं जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जितना भी रीसेंट डिज़ास्टर एक कैटास्ट्रॉफी जो हुई है फ्लड्स के चलते, पूरा डिवेस्टेशन है खासतौर पर वैली में, तो उसके लिए हम बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। हर कॉन्सर्ट में आपको ऐसे फेसेस मिलेंगे जो आप शायद इमिजिएटली ना रिकग्नाइज करते हो। एक कॉन्सर्ट जो अभी मैं करने ही वाला हूँ उसमें जहाँ पे कि बहुत सारे यंगर जनरेशन के ही सारे म्यूजिशियंस हैं, लेकिन मोस्टली आपको मिलेंगे प्रोमिनेंट फेसेस, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि एक मैसेज अक्रॉस कश्मीर जाए कि हम फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर ही रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी हम इमोशनली भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो जितने म्यूजिशियंस जुड़े उतने अच्छे। उसके बीच में भी आपको कुछ ऐसे फेसेस मिलेंगे जो एकदम मतलब जिसे आप कहें कि फ्रेश हैं अभी, नए टैलेंट्स हैं, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ अगर मुझे ऐसा स्टेज मिल रहा है जहाँ पे कि 4 नामी म्यूजिशियंस के चलते कुछ लोग आएंगे तो वो आते आते कुछ और भी करके जाएं, कुछ नए लोगों को भी सुने, तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मैं मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी नए टैलेंट को प्रेजेंट करूँ तो उससे मुझे कोई थ्रेट आ जाता है, मैं इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता। नंबर वन मेरा सीखना किस काम का और मेरा बजाना किस काम का कि अगर कोई भी फ्रेश जो एक नया टैलेंट आ रहा है वो मुझे थ्रेट दे दें। सेकेंडली अगर मैं इस कैपेसिटी में हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं किसी को प्रमोट कर सकूँ तो मैं क्यों ना करूँ, और हमें देना है। और यही एक रीज़न है कि ये अनफॉर्चुनेटली शायद कई लोग इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं करते ड्यू टू, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उन्हें हार्म हो जाएगा किसी किस्म का इस फील्ड में, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। हमारे फील्ड में कुछ ऑर्गेनाइजर्स और कुछ म्यूजिशियंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक सेल्फिश मोटिव के चलते हमारे फील्ड को नुकसान पहुँचाया है। अब हमारी बारी है कि हम उसे रेक्टिफाई करें और हो सकता है वो बदल जाएं। काफ़ी प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स रन करते हैं, अगर वो बदलते हैं तो क्या बुरा है, अच्छा है, हमारे म्यूजिशियन कम्युनिटी के लिए अच्छा है, इस कल्चर के लिए अच्छा है, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, इसीलिए मैं फील करता हूँ कि हमें काम करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक सोच का हिस्सा हैं और मैं ये करता रहता हूँ। अभय, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे भी इसी तरीके से संतूर में नए नए प्रयोग करते रहें, नई नई धुनें बनाते रहें और हम सबको, ना सिर्फ हम सबका मनोरंजन करते रहें बल्कि हम सबको जो हमारी परंपरा है, जो हमारी जड़ें हैं, वहां तक ले जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे अभय सोपोरी, जो लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। वो ना सिर्फ अब संतूर वादन में नए प्रयोग कर रहे हैं बल्कि वो अपनी कंपोजिशंस में नए प्रयोग कर रहे हैं। अगली बार एक और नए कलाकार के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, एक और बड़े कलाकार के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।